अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक जी। आइए करते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग। आज सुबह मुझे रिसीव हुए दो पार्सल, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। आई ऑर्डर दिस फ्रॉम इंस्टाग्राम पेज। द पेज वॉज किड्स प्ले शॉर्ट्स। रूहान के लिए मैंने 3 शॉर्ट्स ऑर्डर किए थे। इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में मिल रही थी, जैसे कि एक शॉट 200 की। तो मैंने सोचा ऑर्डर कर लें, चेक कर लिया जाए इनकी क्वालिटी। इट वाज वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल। एक और इंस्टाग्राम के पेज से मैंने रूहान के लिए शर्ट्स ऑर्डर किए थे। द पेज नेम इज़ डील 2-1। ये मैंने 5 शर्ट्स ऑर्डर किए थे लेकिन मुझे 4 शर्ट्स रिसीव हुए। मैंने कंप्लेन की है, लेट्स सी वो एक शर्ट दोबारा से भेजते हैं या नहीं। एंड आई पेड 1600 फॉर 5 शर्ट्स। इनकी भी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। और यहाँ मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। लंच में मैं बना रही हूँ तुरी की सब्ज़ी और मेरी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी। मैंने सोचा मैं रेसिपी शेयर करूँगी लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई वीडियो। और आप सबको तुरी की सब्ज़ी कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं अपने अचार में डाल रही हूँ मसाले। मैंने रेडीमेड मसाला लिया है, अचार मसाला। और अगर आप चाहें तो अपने घर के मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई राई, सौंफ और कलौंजी। और इसमें तेल शामिल करें। और तेल शामिल करने के बाद इसमें लहसुन ऐड करें। और जब लहसुन ऐड करेंगे इसके बाद, अगर आप चाहे तो इसमें छोटे छोटे अनियन भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया। अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा और ऑयल शामिल कर लें। इसके बाद आपका अचार रेडी हो जाएगा। और यहाँ रूहान नाराज़ है क्योंकि मैंने इसको जो नए क्लॉथ्स पहनाए हैं उसे वो पसंद नहीं आ रहे। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू वेयर स्पाइडर मैन बैटमैन क्लॉथ्स। ही इज़ जस्ट अ बिग फैन ऑफ स्पाइडर मैन एंड बैटमैन। काफ़ी मुश्किलों के बाद मैंने उसे एग्री किया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं उसके लिए स्पाइडरमैन, बैटमैन ये सभी ड्रेसेस ऑर्डर करूँगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ रात को अपने लिए मसाला मैगी। काफ़ी मेरा दिल चाह रहा था मसाला मैगी खाने को तो मैंने सोचा वही बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम किए, उसके अंदर एक अनियन और ग्रीन चिलीज ऐड किए और 2 छोटे टमाटोज पेस्ट करके डाल दिए और मैगी मसाला ऐड किया। और मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स और चाट मसाला भी ऐड किया। इसके बाद इनको अच्छे से मैंने भून लिया। फिर इसमें मैंने पानी शामिल किया और अपने मैगीज डाल दिए। और 5 मिनट बाद मेरी मैगी रेडी होगी। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनी थी जी। आइए करते हैं व्लॉग की एंडिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।